साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं पशु चिकित्सा में बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाले एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन, इंजेक्शन ट्राइबीवेट के बारे में। इंजेक्शन ट्राइबीवेट जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जहाँ पर इंजेक्शन ट्राइबीवेट का उपयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इंजेक्शन ट्राइबीवेट से जुड़ी हर एक छोटी छोटी बात अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि बहुत ही उपयोगी ये वीडियो होने वाला है। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी वाली वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं इंजेक्शन ट्राइबीवेट के बारे में। इंजेक्शन ट्राइबीवेट जो होता है दोस्तों एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, जिसमें विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B12 विटामिन उपस्थित होते हैं। इन विटामिन्स की बात करें तो इनके बहुत सारे उपयोग होते हैं बॉडी में। जानवर के शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोगी विटामिन्स होते हैं, जिनकी वजह से जानवर की जो एनर्जी लेवल है, जो नर्वाइन कंडीशंस है जानवर की, उनमें बहुत ज़्यादा और बहुत तीव्रता से सुधार होता है। इंजेक्शन के कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें विटामिन B1 यानी विटामिन थायमिन होता है 50 mg/ml। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एनिमल के शरीर के लिए। एनिमल के शरीर का एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए B1 बहुत ही ज़रूरी होता है। शरीर के अंदर ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B1 यानी थायमिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके अलावा ये छोटे जो काफ होते हैं उनमें विटामिन B1 का बहुत ज़्यादा रोल अपने को देखने को मिलता है। विटामिन B1 यानी थायमिन के ऊपर एक पूरा वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक भी नहीं देखा है, वो अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक उपलब्ध है, वहाँ जाके उसको निश्चित रूप से देखिए। वो वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगा आप सभी के लिए। उसके अलावा दोस्तों बात करें विटामिन B6, जिसे अपन पाइरीडोक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 होता है इसमें 50 mg/ml। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानवर के शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी जो नर्वाइन सिस्टम है उसको तंदुरुस्त रखने के लिए विटामिन B6 बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। उसके अलावा किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कैंसर की जो संभावना होती है जानवर के शरीर में, उसको ये कम करने का काम करता है। उसके अलावा होता है दोस्तों इसमें विटामिन B12, जो कि साइनोकोबालमिन होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए, RBC के निर्माण के लिए साइनोकोबालमिन की आवश्यकता होती है। तो ये सारे विटामिन इस इंजेक्शन में उपलब्ध होते हैं, इसीलिए ये इतना ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। अब बात करते हैं किन किन स्थितियों में इसका उपयोग अपने को करना चाहिए। तो सबसे पहली स्थिति आती है दोस्तों जनरल डिएबिलिटीज़ की, यानी जानवर के शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है, उसने चारा पानी खाना कम कर रखा है। तो ऐसी किसी भी स्थिति में अपन विटामिन B1, B6 और B12 का ये जो इंजेक्शन आता है इंटास कंपनी का ट्राइबीवेट, उसे उपयोग में ले सकते हैं। उसके अलावा जो नर्वाइन डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोन से संबंधित या नर्वाइन सिस्टम से संबंधित कोई भी परेशानी है, जानवर को चलने फिरने में दिक्कत है या पैरालिसिस की कंडीशन वहाँ पे हो गई है, उठने बैठने में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो नर्वाइन सिस्टम से जुड़ी किसी भी समस्या में अपन विटामिन B1 और B6 और B12 का ये इंजेक्शन काम में लेते हैं। उसके अलावा जो एनोरेक्जिया की कंडीशंस हैं या एनीमिया की कंडीशन है, वहाँ भी अपने को इस इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि B12 जो साइनोकोबालमिन होता है वो ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है, जिससे जानवर एनीमिया की कंडीशन से बाहर निकल जाएगा। उसके अलावा जो लैक्टेटिंग कैटल्स होती हैं, दूध देने वाले जो जानवर हैं, जो दूध दे रहे हैं, उनमें भी अपन को ये इंजेक्शन उपयोग में लेना चाहिए, जिससे उसका मिल्क प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंट रहता है, वो बना रहता है और उसका दूध उत्पादन बढ़ता है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट एनिमल है उनमें भी अपने को ये इंजेक्शन काम में लेना चाहिए, ताकि माँ के शरीर के अंदर जो फीटस है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, उसका जो ब्लड फॉर्मेशन है, उसकी बोन फॉर्मेशन है, उसमें ये सहायता प्रदान करता है और उसके प्रसव में भी आसानी रहती है। तो बहुत सारे उपयोग इस विटामिन के इस इंजेक्शन के होते हैं, इसलिए इस इंजेक्शन का उपयोग इतना ज़्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डोज की। तो डोज की बात करें तो बड़े जानवरों में 10 से 15 या 20 ml तक ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस अपन लगा सकते हैं। उसके अलावा जो छोटे एनिमल्स हैं उनमें ये 3 से 5 ml तक इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस रूट से ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में देखा दोस्तों अपन ने इंजेक्शन ट्राइबीवेट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा और कौन से इंजेक्शन, कौन सी मेडिसिन, कौन से पाउडर, कौन से बोलस या कौन सी बीमारी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, वो अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, उसकी जानकारी आपको निश्चित रूप से दी जाएगी। साथ में ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक कंटेंट आपको मिलते रहें। उसके अलावा ही संडे कमेंट बॉक्स
जो सॉल्यूशन के वीडियोज हैं वो भी आप निश्चित रूप से देखिए, ताकि बहुत सारे डाउट्स वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। दोनों वीडियो के लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहाँ जाके आप उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।